Thank you, students. Now we start our today's class, subject of geography. As you know, in previous class we learned the chapter 2nd, and which is structure and physiography. And in previous class we talk about peninsular block. I hope you all are very well understand the whole content. And students, now we are moved from our other topic, which is Himalayan and other peninsular mountains. It is our second topic in this chapter, so we have start our second topic, Himalayan and other peninsular mountains. तो students, सबसे पहले कल हम लोगों ने जब फिजियोग्राफी के बारे में जाना तो हमने चर्चा की कि कैसे जो पेंसुलर ब्लॉक है भारत का, वो निर्माण, उसका कैसे निर्माण हुआ. अब उसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो माउंटेन रेंज हैं, वो कैसे हैं, किस प्रकार से बने. क्योंकि हिमालय को स्पेशली सबसे न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन माना जाता है, और इस वजह से ये बहुत ही, हम कह सकते हैं कि नर्म स्ट्रक्चर से बना हुआ है. यहाँ पे आप देखिए, जब भी बरसात होते हैं तो अक्सर आप लोगों को ये न्यूज़ आता होगा टीवी पे कि केदारनाथ या बद्रीनाथ या उत्तरांचल के बहुत सारे एरियाज में जो हिली रीजन्स है, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गए, पर्वत बैठ गए. जिसका कारण यही है कि वहाँ की जो स्ट्रक्चर है वो अभी बहुत ही न्यूली फॉर्म्ड होने की वजह से हार्ड नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है. इस एवज में कि जो हमारे पेनिनसुलर माउंटेन्स हैं, जो पेनिनसुलर ब्लॉक हैं, उसके कंपेरिजन में जो पेनिनसुलर माउंटेन्स और ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे उनके जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं, रॉक्स हैं, वो काफ़ी हार्ड है, क्योंकि वो काफ़ी पुराने हैं. अब देखिए, हिमालय का स्ट्रक्चर देखिए तो काफ़ी सारे ग्लेशियर्स हैं. ग्लेशियर होने की वजह से हिमालयी रीजन में बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है, और काफ़ी तेज ढलान होने की वजह से बहुत सारे जॉर्ज वगैरह वहाँ पर बनाते हैं. बहुत सारे शेप्स, स्पेशली वी शेप वैलीज का निर्माण करते हैं, और यंग एज में ही ये जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, सॉरी जो हिल्स हैं या माउंटेन्स कहेंगे, जो हैं ये अभी यंग एज में ही हैं, तो वी शेप वैलीज का निर्माण करती है. जॉर्ज हैं, जॉर्ज का भी निर्माण करती हैं. तो ये स्ट्रक्चर्स अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे. अभी केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आपको केवल समझना है, तो इस वजह से सिर्फ हम अभी केवल इंट्रोडक्शन के लिहाज से ही पढ़ेंगे. और इसके बाद देखिए, हमारा जो तीसरा टॉपिक है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा का जो प्लेन एरिया है, तो इनका भी निर्माण देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियों के माध्यम से ही हुआ है. इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये तीनों का जो उद्गम स्थल है ये हिमालय ही है. हिमालय के राक्षस ताल से ब्रह्मपुत्रा निकलती है, और उसी के अपर पार्ट से उत्तरांचल के आप गोमुख से गंगा निकलती है, और इंडस भी राक्षस ताल के नज़दीक एक उसके थोड़ा सा दूर एक एरिया है अपर पार्ट में, वहाँ से इंडस नदी निकलती है. हालांकि इंडस का बहुत थोड़ा पार्ट हमारे देश में फ्लो करता है, बाकी पाकिस्तान में चला जाता है. गंगा हमारे देश की मुख्य नदी है. ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से होकर के अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, और अरुणाचल प्रदेश से आने के बाद, जब अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है हमारे देश में, तो उसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है. उसके पहले उसे टीसंग कहते हैं वहाँ पे तिब्बत में. तो ये नदियाँ जब स्टार्ट में करीब 4.6 करोड़ साल पहले जब ये नदियाँ फ्लो करते हुए नीचे आई, यानी कि हिमालय से निकलते हुए जब अनदर पार्ट में आई, तो अपने साथ बहुत सारे हम कह सकते हैं डिपॉजिट्स को लेकर के आई थी, और साथ उन्हें कहते हैं डिपॉजिट्स को लेकर के आई थी. वो डिपॉजिट्स को इस पूरे जो आज आप गंगेटिक प्लेन एरिया आप देख रहे हैं, इंडस प्लेन एरिया और ब्रह्मपुत्रा प्लेन एरिया देख रहे हैं, वहाँ पर उनको वो फैलाते चली गई, जिससे द ग्रेट प्लेन का निर्माण हुआ, यानी कि उत्तर भारत के महान मैदान का निर्माण हुआ. और इनकी जो गहराई है वो, ये जो पूरा प्लेन एरिया का जो गहराई है, इन अवसादों के डिपॉजिट्स की जो गहराई है वो 1000 टू 2000 मीटर्स तक की है. इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोग्राफिक डिविजन्स, भू आकृति से हिंदी में कहते हैं. तो हमने भी पीछे के क्लास, पीछे के लेक्चर में बात किया था कि 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं भारत में अलग अलग. तो उसमें जो सबसे पहला फिजियोग्राफिक डिविज़न है वो है नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा इंडियन डेजर्ट, पांचवा कोस्टल प्लेन, और छठा आइलैंड्स. यानी कि अगर हम इसको सरल शब्दों में समझें तो उत्तर भारत का हिमालयी क्षेत्र, उसके बाद उत्तर का मैदान, उसके बाद
जो पेनिनसुलर एरियाज़ की यानी डेक्कन प्लेट्यू कह सकते हैं, पेनिनसुलर एरिया जो है वो डेक्कन प्लेट्यू उसको कहते हैं, या दक्षिण का पठार कह सकते हैं। उसके बाद कोस्टल रीजन्स हैं, आईलैंड्स हैं, और सबसे आखिर में हम कह सकते हैं कि डेजर्ट एरिया या रेगिस्तान, थार का मरुस्थल जिसे कहते हैं, राजस्थान में है। ये हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, ये 5-6 प्रकार के फिजियोग्राफिक डिवीजन हमारे देश में पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। अब हम धीरे आगे इन सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे और कैसे इन कहाँ तक ये इनका फैलाव है। तो सबसे पहला है जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो हिमालय रेंज है उसकी बात करेंगे, और आपके पेज नंबर 10 पे ये मैप भी दिया होगा, आप देख सकते हैं इसको, इंडिया का मैप है। आपके पास बुक होगा तो ज़रूर उसको खोलिए और उसमें पेज नंबर 10 पे उस मैप को देखिए, जिसमें आपको ये सारा फिजियोग्राफिक डिवीज़न, एक तरीके से इंडिया का ये फिजियोग्राफिक मैप कह सकते हैं इसको, जिसमें जो ऊपर कलर्ड एरिया है आप नॉर्थ में देखिए काराकोरम और पूरा लिखा हुआ है अभी हिमालयन रेंज, आप जो जितना भी वो कलर्ड एरिया है वो पूरा नॉर्दर्न हिमालयन, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हिमालयन का एरिया माना जाता है। उसके ऊपर चीन है, और उसके आगे आप देखिए तो गंगा नदी, यमुना नदी आपको दिख रही होगी, लिखा होगा, और यहाँ पे द ग्रेट प्लेन, नॉर्थ प्लेन लिखा हुआ है, नॉर्थ उत्तर का मैदान आपको दिखेगा जहाँ गंगा यमुना नदी बह रही हैं। और फिर उसके नीचे आप आएंगे तो फिर आपको सेमी कलर्ड एरिया मिलेंगे बहुत जगह पर, और जितने सेमी कलर्ड एरिया हैं ये अलग अलग प्लेट्यू रीजन है, इसे हम डेक्कन का प्लेट्यू कहते हैं। कल हम इसी बाउंड्री की बात कर रहे थे, कल जब हम लोगों ने पेनिनसुलर ब्लॉक को पढ़ा था, तो मैं जिस अरावली रेंज से होते हुए दिल्ली प्लेट्यू से मुड़ते हुए जो छोटा नागपुर का रीजन बता रहा था आपको, तो ये कल उसी पेनिनसुलर ब्लॉक की बात हो रही थी। आप देखिए अरावली रेंज आपको दिख रहा होगा वेस्ट में, और उसके ऊपर आप जाएंगे तो इंडियन ग्रेट डेजर्ट एरिया दिख रहा होगा, वो पूरा भारत का मरुस्थल यानी रेगिस्तान है। उसके नीचे आप आएंगे तो अरावली रेंज है, ये काफ़ी पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। फिर उसके बाद देखिए मालवा का पठार है, विंध्य श्रेणी, मालवा प्लेट्यू, विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज, और फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये रेंज आपको दिखेगा, ये भी प्लेट्यू रीजन्स है और बहुत रिच है। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन तो स्पेशली अपने मिनरल्स के लिए बहुत ही प्रख्यात है कि यहाँ बहुत ये रीजन आप देखोगे अगर मैप में, तो आपको झारखंड और उड़ीसा के बेल्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो आपको पता भी होगा, छत्तीसगढ़ वगैरह रेंज मिलेंगे, तो आपको पता भी होगा कि भारत के बहुत सारे मिनरल्स यहीं से पाए जाते हैं। फिर आप देखिए कोस्टल रीजन को लेकर के अगर आप चलिए तो आपको नॉर्थ सॉरी ईस्ट और वेस्ट में, ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट और वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट आपको मिलेंगे, और ये आकर के पूरा तमिलनाडु में मिले हुए हैं। यहाँ पे आपको दो हिल रेंज आपको मिलेंगी, अनाई मोडी और अनाई मलाई, यहीं पे आकर के ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएँ हिल रेंज में आकर के मिल जाती हैं। और उसके बाद आप कोस्टल रीजन देख रहे हैं, वहाँ पे कोस्टल प्लेन है, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आपको दिख रहा है, ये आइलैंड्स ग्रुप हैं भारत के। इस प्रकार ये आपको पूरे भारत के मैप में 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स, आई थिंक ये आप क्लियर कर लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, पूरा 6 का 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन, जिसमें नॉर्दर्न माउंटेन, फिर नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेट डेजर्ट, डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल रीजन, और फिर अंत में हमारे पास है आइलैंड्स ग्रुप। तो इस प्रकार से ये 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं। और अब हम लोग सबसे पहले पहले फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के ऊपर बात करेंगे कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालयी रेंज के बारे में बात करेंगे। अब हिमालयी रेंज की बात करें तो मोस्टली 4 पार्ट्स में हिमालय रेंज, क्योंकि कई पैरेलल श्रेणियों में ये बटा हुआ है, जिसमें 4 पार्ट्स में इसको हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, उसके बाद मिडिल रेंज हिमालय, और लास्ट में शिवालिक रेंज हिमालय, इन 4 पार्टों में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए जो डायरेक्शन, जैसे इसका जो फैलाव है भारत में, इसको हम लोग कहेंगे कि ये नॉर्थ वेस्ट से ये साउथ ईस्ट तक फैली हुई है। अब आपके सामने अगर मैप होगा या किताब के भी, आप जो आपके पास बुक है उसमें, वो किताब में दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं, तो जो नॉर्थ ईस्ट है जहाँ जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा है, वहाँ से लेकर के जो नॉर्थ वेस्ट है जम्मू कश्मीर जहाँ आपको दिख रहा है, वहाँ से लेकर के साउथ ईस्ट यानी कि जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश या 7 सिस्टर्स स्टेट हैं वहाँ तक का फैलाव ये हिमालय ऐसे पूरा
फैला हुआ है, उसके आगे आप देखेंगे तो दार्जिलिंग और सिक्किम, दार्जिलिंग और सिक्किम आपको बिहार से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये पश्चिम बंगाल के ठीक ऊपर आपको सिक्किम मिलेगा और उसी के आगे दार्जिलिंग, और यहाँ पे ये जो रेंज है ये ईस्ट टू वेस्ट की तरफ से डायरेक्शन में है। उसके बाद जब आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो ये साउथ टू वेस्ट डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट से ये नॉर्थ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर वो कन्वर्ट हो जाती है, घूम जाती है, इनका डायरेक्शन की बात हो रही है। और उसके बाद जब मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये जो रेंज है, माउंटेन रेंज है, ये नॉर्थ टू साउथ रेंज में फैली हुई है। तो ये स्ट्रक्चर है हिमालय का, आप ध्यान से किताब में देखिएगा, आपको ये समझ में आएगा। मैप सामने रख करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा देखेंगे आप तो ज़्यादा आपको ये दिमाग में तुरंत बैठेगा। आप इसको पूरे तत्परता से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये डायरेक्शन कैसे जा रहा है, हिमालय कैसे फैल रहा है। इसके बाद आप देखिए जो हमारा ग्रेट हिमालय रेंज है, ये ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक इसका जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर, और जो नॉर्थ से साउथ तक का जो इसका वाइड पार्ट है यानी जो चौड़ाई है ये 160 से 400 किलोमीटर तक है। यानी कि ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक जब आप जाएंगे करीब 2500 किलोमीटर तक, तो आपको हिमालय ही हिमालय, पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। और जब हम इसकी चौड़ाई देखेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ कि कितने चौड़े में ये है, तो करीब कितना वाइड रेंज है इसका, तो करीब 160 से लेकर के 400 किलोमीटर तक आपको केवल पहाड़ी पहाड़ दिखेगा। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। आप इसको मैप में ज़रूर देखिएगा, खास करके इंडिया के फिजिकल मैप में ज़रूर देखिएगा, आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसी कंटेंट पे, इसी टॉपिक पे हम लोग और डिस्कशन और पढ़ाई अब कल करेंगे। आज के लिए बस हम लोग यहाँ पे क्लास को रोकते हैं। थैंक्स।